हेलो नमस्ते और प्यार भरा नमस्कार। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीर और मेरे गांव का नाम है डुमटी, जो झारखंड के गुमला ज़िले में पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं हूं अपने मक्के के खेत में। जैसा आप देखिए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और मक्का जो है मेरे घुटने के बराबर हो गया है, मेरे घुटने से भी अधिक हो गया है, देखिए आप। तो इसको क्या करना है, इसको मिट्टी चढ़ाना अभी बाकी है। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने है मक्के का खेत, उधर भी मक्के का खेत, और राइट साइड में है मेरा घर, और इस साइड लगा हुआ है दोस्तों ये है भिंडी का पौधा, और ये थोड़े बहुत तीन लाइन आपको दिख रहे होंगे, ये है बीन्स, और ये दो दो पौधे ये यहाँ पर और वहाँ पर, ये हैं आम के पौधे। और मौसम का हाल देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा है तो देखिए, नीले नीले आकाश और किनारे से बादल चढ़ते हुए एक साइड से, तो हो सकता है कि बारिश हो थोड़ी देर में, या हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ऐसा कुछ व्यू है। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपने गार्डन की तरफ, और यहाँ पर मुझे कुछ काम है। क्या काम है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको यह दिख रहा होगा, यह सुपारी, पिछले ब्लॉग में दोस्तों वो मैंने आपको दिखाया था सुपारी का पेड़, और इसको आज हमें तोड़ना है क्योंकि ये पूरी तरह पक चुका है और पीला पीला आपको दिख पा रहा होगा, तो इसको हमको आज तोड़ना है। किस चीज़ से तोड़ेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है बांस का बना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं डांग, और इसके ऊपर लगा हुआ है हसुआ, जिसको मैंने क्या किया है, रबड़ से ऐसे बांध दिया है, तो इसी से हम तोड़ेंगे अभी। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलिए चलते हैं, इसको तोड़ते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये है जो अभी मैंने तोड़ा है, और जगह जगह पूरी तरह बिखरा हुआ है, पीला पीला आपको दिख रहा होगा। तो ये है दोस्तों सुपारी, और ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये है काली मिर्च का पौधा, जो इसके ऊपर चढ़ेगा बढ़ के, तो इसको अभी हम लोग ले जाएंगे दूसरी ओर। दोस्तों, चार पांच दिनों से मैं एक चीज़ की वेट कर रहा था, तो वो चीज़ आ चुका है मेरा, वो है पार्सल जो मैंने अमेजन से मंगाया। मैंने क्या मंगाया वो अभी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि अमेजन से डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया है और वो गांव तक पहुँच चुका है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सामान लेने अपना। दोस्तों, लगभग 6 महीना पहले मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी, और शुरुआत में ब्लॉगिंग सेटअप के नाम पर दोस्तों मेरे पास केवल एक मोबाइल था, जो मेरा Redmi Note 7 है, वो जो अभी स्टैंड में लगा हुआ है। और इसके बाद मैंने मंगाया ये बोया का M1 माइक, ये अभी लगा हुआ है मोबाइल में। Redmi Note 7 में बोया का माइक सपोर्ट नहीं करता, और इसको डालने के बाद ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, लेकिन भी मैं ऐसे ही चला रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी GoPro नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास अभी और क्या चीज़ है। तो मेरे पास ये सेल्फ़ी स्टिक है, जो पहले से था मेरे पास मौजूद, पुराना ट्राइपॉड मैंने खोज लिया था घर से ही, जो काफ़ी बड़ा वाला है, जो कैमरा पे यूज होता है, प्रोफेशनल कैमरा पे, वो काफ़ी भारी है। तो आपको पता है कि मेरा जो ट्रैवल ब्लॉग है या लाइफस्टाइल का ब्लॉग है, उसमें इतना भारी स्टैंड को ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने अमेजन से कुछ मंगाया है। ये दो चीज़ें मंगाई, मैं आपको दिखा देता हूँ ये दो चीज़ें, हालांकि इसको मैंने अभी खोल के चेक कर लिया है, लेकिन मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो
दोस्तों, जब मैं कभी बाइक पर कहीं जाता हूँ और मुझे वीडियो कैप्चर करना होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मोबाइल को माउंट करना हेलमेट में, उसको अलग से लगाकर काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने एक मोबाइल चेन माउंट मंगाया है, ये वाले, मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक छोटा ट्राइपॉड मंगाया हूँ, जिसको ये वाली बॉक्स में है वो, इसको मैं अभी खोलता हूँ। तो देखिए आप, ये है वो स्टैंड जिसे मैंने अमेजोन से मंगाया है, ये चेन माउंट और ये स्टैंड मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसके अलावा दोस्तों, ये है मोबाइल होल्डर जिसको लगाना है इस चेन माउंट में, सेटअप करना है इसको। अभी मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा स्टड्स का हेलमेट, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको मैं कैसे सेट करूंगा अपने मोबाइल को इसमें होल्ड करने के लिए, ताकि चलते चलते भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ बाकी चीज़ों को, जैसे बाइक चलाते हुए सामने कोई सीन आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना। और माइक तो मेरे पास है ही, उसको भी मैं इसमें डालूंगा, लेकिन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि इसको मैं कैसे सेटअप करूँगा। ये रहा मेरा हेलमेट, ऐसा कुछ अंदर से दिखता है। तो इसको ऐसे लगाना होगा और शीशा को ऐसे खोलना होगा। तो ये है वो, आप नज़दीक से देख लीजिए, ऐसा कुछ दिखता है। YouTube में ढेर सारी वीडियोस हैं दोस्तों इससे रिलेटेड, तो आप वहां जाके देख सकते हैं ये कैसे सेट किया जाता है। तो ऐसा कुछ इसमें सेट हो जाएगा, ये इसका फीता दिया हुआ है, इसका फीता अंदर से, इसको टाइट करने के लिए इसमें एक बेल्ट दिया हुआ है। तो इसको हम करेंगे अंदर से टाइट। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा सेटअप जिससे मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ, और दो नई चीज़ें आ गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी वीडियो बना के दिखा पाऊँ आपको। और अगली बार जब भी मैं इस वीडियो बनाऊँगा तो इसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊँगा, और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक। हालाँकि वो एफिलिएट लिंक नहीं है, फिर भी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, प्राइस अच्छा लगे तो ख़रीद सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और मिलूँगा मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।